हेलो बच्चों, आज हम देखेंगे कि जोकर किस तरह से बनाते हैं। इसके लिए हमें चाहिए सबसे पहले कुछ कोरे कागज, ड्राइंग के पेंसिल, एक खाली माचिस की डिब्बी, कुछ कलर्स। यहाँ पर मैंने क्रियॉन यूज किए हैं, आप कोई भी कलर इस्तेमाल कर सकते हैं, सेलो टेप, कुछ हमारे पास अलग अलग रंग के इस तरह से पेपर्स हैं, कुछ ग्लिटर पेपर है, आइसक्रीम के स्टिक्स, गोंद और कैंची। तो चलिए आइए देखते हैं कि जोकर किस तरह से बनता है। सबसे पहले हम ये जो हमारा कोरा कागज है इसके ऊपर जोकर की तस्वीरें ड्रॉ कर लेंगे। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने जोकर का सर, उसकी गर्दन, उसके पेट का हिस्सा, उसके हाथ और पैर बना लिए हैं। अब मैं इन सबको कलर करूंगी। कलर करके ये जो सारे पार्ट्स हैं इसको हम कट कर लेंगे। तो इस तरह से हमने जोकर के तमाम हिस्सों को रंग दिया है। आप अपनी मर्जी के कोई भी कलर से यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं और हम अब इसको अच्छी तरह से कट कर लेंगे। इस तरह से हमें पूरे जोकर के जो भी बॉडी पार्ट्स हैं उसको कट कर लेंगे। तो देखिए बच्चों, इस तरह से हमने जोकर के सारे हिस्सों को कट कर लिया है। यहाँ पर मैंने कुछ ग्लिटर के पेपर लगाए हैं ताकि थोड़ा अच्छा लगे। ये ऑप्शनल है, आप लगाएं तो चाहे तो लगाएं या ना लगाएं। इसके बाद हमें लेना है एक खाली माचिस की डिब्बी। इसको ले लिया हमने, तो हमको इसका ये वाला जो हिस्सा है ये चाहिए। इस हिस्से पर हम क्या करेंगे, पीछे एक आइसक्रीम की जो स्टिक है ये हमको यहाँ पर चिपकानी है। तो हम इसको सेलोटेप की मदद से चिपका लेते हैं। तो हमने इस तरह से आइसक्रीम की कड़ी को माचिस की डब्बी के बीचों बीच पर चिपका दिया है। अब हम क्या करेंगे, इसका जो ऊपरी हिस्सा है, ऊपरी हिस्से में हम यहाँ पर इसकी गर्दन चिपकाएंगे और ये बाजू वाले हिस्से में हम इस तरह से इसके हाथ चिपकाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमने गर्दन और हाथ को चिपका लिया है। अब हम इसका जो नीचे वाला हिस्सा है यहाँ पर उसका धड़ और उसके पैर और ऊपर उसका सर चिपकाएंगे। तो यहाँ पर हमने उसके हाथ, गर्दन, सर और धड़ को चिपका दिया है और ये हमारा जोकर बनकर तैयार है। देखिए किस तरह से हाथ हिला रहा है। तो इस तरह से आप भी जोकर बनाइए और उसके साथ खेलिए।